बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। सलमान खान ने ईद के मौके पर राधे और मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज किया, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुला रिव्यू मिला। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो इंडिया में पहले दिन इस फिल्म ने 108 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। ये सलमान खान की किसी भी फिल्म को देश में मिली अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई ने देश में पे पर व्यू के जरिए फिल्मों की रिलीज पर कामयाबी की मुहर भी लगा दी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस फिल्म की वजह से सलमान खान खूब ट्रोल भी हुए। सोशल मीडिया पर आज भी सलमान खान की इस फिल्म को लेकर मीम्स बनते रहते हैं। राधे फिल्म कई लोगों को अच्छी नहीं लगी और इसी में एक है कमाल आर खान। उन्होंने अपने रिव्यू में राधे की काफी बुराई की थी, लेकिन अब ये बुराई उन्हें महंगी पड़ गई है। अब रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की लीगल टीम ने केआरके के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। केआरके ने ट्वीट पर इस खबर की जानकारी दी है। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, सलमान खान ने राधे के रिव्यू के लिए मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। अपने पहले ट्वीट में केआरके ने लिखा, डियर सलमान खान, ये मानहानि केस आपकी हताशा और निराशा का सबूत है। मैं अपने फॉलोअर्स के लिए रिव्यू करता हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। मुझे आपकी फिल्मों के रिव्यू करने से रोकने के बजाय आपको कुछ अच्छी फिल्में बनानी चाहिए। मैं सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। थैंक यू फॉर दिस केस। केआरके ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर कोई प्रोड्यूसर या एक्टर मना करता है तो मैं उनकी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। सलमान खान ने राधे के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, इसका मतलब वो मेरे रिव्यू से काफी आहत हुए हैं, इसलिए अब मैं उनकी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। मेरा आखिरी वीडियो आज रिलीज हो रहा है। इसके बाद केआरके ने तीसरे ट्वीट में लिखा, आदरणीय सलीम खान साहब, मैं यहाँ सलमान खान का करियर और फिल्म को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं हूँ। मैं फन के लिए फिल्मों का रिव्यू करता हूँ। अगर सलमान को मेरे रिव्यू से परेशानी है तो मैं नहीं करूँगा रिव्यू अब। अगर उन्होंने पहले कहा होता तो मैं रिव्यू नहीं करता। इसके बाद केआरके लिखते हैं, इसलिए मेरे खिलाफ मानहानि का केस करने की कोई जरूरत नहीं है। सलीम सर, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए मैं भविष्य में उनकी फिल्मों का रिव्यू नहीं करूँगा। प्लीज उनसे कहिए इस केस को आगे ना बढ़ाएं। मैं अपना रिव्यू डिलीट कर दूंगा अगर आप चाहें तो। थैंक यू सलीम साहब। आपको बता दें, सलमान खान की लीगल टीम ने सिटी सिविल कोर्ट में एडिशनल सेशन जजेस के सामने इसे अर्जेंट हियरिंग के तौर पर बताया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब केआरके किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हों। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे सितारों के खिलाफ बुरे रिव्यूज किए थे, जिसके चलते वो कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। केआरके के राधे के रिव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि सलमान ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करके सही किया है? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।